हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, कुछ मोटिव होते हैं। वैसे ही मेरा भी था। मेरे को हमेशा से ही कुछ यूनिक करना था। बचपन से गेमिंग का शौक था, थोड़ा बड़ा हुआ तो ट्विच और यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हुए देखा, सोचा मैं भी कुछ ट्राई करूं। ये देखो दिलजीत कितना बढ़िया गाना गा रहे, इतने बढ़िया एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप कभी मेरे लिए कोई गाना नहीं गाते, एक बार प्लीज मेरे लिए इसका आशीर्वाद दो। वो अपनी शक्ल है सुधार, नी मैं करना प्यार, पीछा छड़ मेरा। मेरी फैमिली और रिलेटिव्स ताने मारने लग गए थे और फ्रेंड्स मजाक उड़ाने, जिससे मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो घर वालों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मुझे कहा गया कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा था। मैंने जॉब ढूंढी, अर्न किया और एक बेसिक पीसी बिल्ड किया। काफी सोचने और रिसर्च करने के बाद मैंने यूट्यूब पे सीएस को स्ट्रीम करना शुरू किया। बट बहुत कोशिश करने के बाद भी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। मैं एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पढ़ाई में मैं शुरू से ही वीक था। घर वालों के अगेंस्ट गया और इंजीनियरिंग छोड़ दी। घर वालों ने बहुत सुनाया और ये तक बोल दिया कि घर छोड़ दिया। दिमाग में तो बहुत कुछ था बट सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से मेरी सारी उम्मीद टूट गई। जब ठीक होकर वापस आया तो फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। ये रूटीन जिंदगी से मैं थक चुका था। नौ से पांच की जद्दोजहद में एक दिन आया जब मेरा फोन बजा। उठा के देखा तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से था। वो मुझे अपना कंटेंट क्रिएटर बनाना चाहते थे। दिस वॉज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी और मैं इसे बिल्कुल नहीं खोना चाहता था। एक दिन मैं ट्विच पर GTRP देख रहा था, जो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ और ऑडियंस को एंटरटेन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक म्यूजिकल नाइट्स करते हैं, आप जीते तो मेरे को 50 महीने की सजा, मैं जीता तो आप मेरे को छोड़ दोगे। जो नरी लगा के मैं तो गाऊंगी गाऊंगी गाऊंगी, ओ मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। टाइम गुजरता गया, व्यूज बढ़ते गए, वॉचिंग बढ़ती गई और सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज होता गया। और मैं 3 महीने के अंदर 1500 सब्सक्राइबर से 25,000 सब्सक्राइबर पर पहुंच गया। इस जर्नी से मैंने एक चीज तो जरूर सीखी, चाहे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे खुद पर विश्वास है, इसलिए मैं अपने सपनों पर काम करता हूँ। आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे और हिम्मत देता है खुद को प्रूव करने का। हमेशा वो करो जो तुम्हें पसंद है, अपने काम को पसंद मत बनाओ। Okay guys, so hello and welcome back to another live stream. We are back with some GTA 5 RP fun. Let's go. Hey guys, it's your boy Yuna and this is my story.